इंडिया में कोविड के बढ़ते हुए केसेस एक मार्केट में प्रेशर बनाए हुए हैं और आज हमें वो देखने के लिए भी मिला। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके जन ठाकुर कैपिटल में। हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉर्निंग में मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और बहुत ही मतलब नीचे जाके मार्केट ने ओपन किया। जैसे कि देख सकते हैं जो 29 अप्रैल का जो क्लोजिंग था वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वो था 14,894 और अभी की जो ओपनिंग थी वो थी 14,747। तो ये देख सकते हैं कि तकरीबन 200 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग रहा मॉर्निंग में ही, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक मार्केट में शार्प सेलिंग हमको देखने मिली। ये देख सकते हैं कि जो एक सपोर्ट जोन था उसको भी निफ्टी ने प्रॉपरली ब्रेक किया है। अभी देखते हैं यहाँ पे सस्टेन होगा कि नहीं। अर्ली कैंडल पे हम लोग देखें तो प्रॉपरली एक अप ट्रेंडिंग के बाद एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग समझे इस बात को, अगर हम लोग टेक्निकली समझे तो, और अगर हम लोग फंडामेंटली समझे तो मार्केट में कोविड के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से एक मार्केट में प्रेशर हमको देखने मिल रहा है। उसी तरीके से हम लोग वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में एक हायर लो स्टैब्लिश करता हुआ हमको दिखा है। हम लोग ने बात की थी निफ्टी के बारे में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी कि निफ्टी ने प्रॉपरली एक 0.61% का गोल्डन रेशो का रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद एक अप ट्रेंडिंग है। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं 0.61% का रिट्रेसमेंट लेने के बाद निफ्टी प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग है और निफ्टी ने एक पहले प्रीवियस हाई को ही ब्रेक किया है। जैसे कि जो 16 अप्रैल का हाई था, मतलब ये देख सकते हैं कि जो 14,984 था उसको ब्रेक करके 15,004 का हाई बनाया है। तो एक हायर हाई प्रॉपरली एस्टेब्लिश किया है। अब एक हायर लो के तलाश में हम लोग देख सकते हैं कि शायद निफ्टी हायर लो की तलाश में कहां पे एक सस्टेन होगा। अगर हम लोग देखें डेली मार्केट में, तो डेली मार्केट रिव्यू में अगर हम लोग डेली मार्केट के उसमें देखें तो एक प्रॉपरली यहाँ पे भी एक 50% का रिट्रेसमेंट लेता हुआ हमको निफ्टी दिख रहा है, और 50% का रिट्रेसमेंट लेता हुआ अगर दिख रहा है तो यहाँ पे अगर सस्टेन होता है तो यहाँ से वापस अपसाइड की जर्नी तय कर सकता है निफ्टी, और एक हायर लो डेली चार्ट पे एस्टैब्लिश करके, जैसे कि एक हायर हाई बनाया और एक हायर लो एस्टैब्लिश करके वापस अप ट्रेंडिंग जा सकता है, जिस तरीके से एक पैटर्न बनाता हुआ निफ्टी हमको दिख रहा है। मंथली कैंडल पे देखें तो मंथली कैंडल पे इस मंथ में ओनली 59 पॉइंट माइनस रहा, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था जैसे कि इस मंथ का। अगर हम लोग देखें बैंक निफ्टी की बात तो बैंक निफ्टी में भी एक मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग रहा, और एक बार ये देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की वो थी 33,714, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मतलब 33,700, और आज की जो ओपनिंग थी वो तो 33,100, मतलब 600 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ मॉर्निंग में ही। और यहाँ पे हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने मिला आज के दिन, और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग में हम लोग कह सकते हैं कि एक जो जिन्होंने यहाँ से बाइंग किया था 30,500 के लेवल से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक निकलते हुए दिख रहे हैं मार्केट से। अगर हम लोग बात करें कि रिट्रेसमेंट लेवल कितना है, जहां से डेली मार्केट रिव्यू पे भी बैंक निफ्टी भी एक रिट्रेसमेंट प्रॉपरली फॉलो करे तो बैंक निफ्टी ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है और 0.38% का ही रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी और मार्केट वापस अप ट्रेंडिंग हो जाएगा, जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने एक चार्ट पैटर्न बनाया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी प्रॉपरली एक हायर लो एस्टैब्लिश किया है और इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बनाया है, मगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं है तो हम इतना इसको वैल्यू नहीं दे तो चलेगा। उसी तरीके से हम लोग मंथली कैंडल देखें तो मंथली कैंडल एक प्रॉपरली जो सेलिंग प्रेशर था उसको प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग करता हुआ हमको दिखा है। EMS पे अगर हम लोग देखें तो एक 200 EMA और 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। उसी तरीके से डेली चार्ट में हम लोग देखें तो डेली चार्ट में प्रॉपरली 50 EMA का सपोर्ट लिया है। हम लोग ये देख सकते हैं 50 EMA का सपोर्ट भी लिया है, और यहाँ पे हमने कंपेयर किया था कि 0.50% का रिट्रेसमेंट, मतलब ये दो चीजें कंफर्मेशन करती हैं कि यहाँ से शायद निफ्टी अभी अप ट्रेंडिंग हो जाए। उसी तरीके से अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट पे प्रॉपरली EMA के इंटेंगल्स हैं, और यहाँ पे क्रॉसओवर ये होगा कि नहीं हमको आने वाले वीक में मंडे को पता चलेगा, कि जब वो कैंडल भी जब पॉजिटिव बनाएगा और अपसाइड हो जाएगा, मतलब चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपसाइड ही मूवमेंट करेंगे। प्रॉपरली 5 EMA के ऊपर हम लोग चेक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर EMS में हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी आर्ली कैंडल पे 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। उसी तरह से डेली चार्ट में देखें तो डेली चार्ट में 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे 13 EMA के नजदीक में आता हुआ दिख रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो प्रॉपरली क्रॉस ओवर किया है और मीडियन के नीचे क्लोजिंग दी है, ये चेक कर सकते हैं, एक नेगेटिव संकेत है निफ्टी के लिए। अगर मीडियन के नीचे सपोर्ट को कर रहा था, 5 EMA के ऊपर है प्रॉपरली।
उसी तरीके से हम लोग मंथली कैंडल पे देखें तो मंथली कैंडल पे प्रॉपरली एक अप ट्रेंडिंग है 5 EMA के ऊपर है। हम लोग एनएससी का सौदा देखें आज क्या रहा है एनएससी में, तो एनएससी में आज 1.77% निफ्टी माइनस रही, 263.12 कंपनियां प्लस रही, 38 कंपनी माइनस रही। बढ़ने वाली कंपनी में ONGC, कोल इंडिया, ग्रासिम, सिविल लैब और IOC ये देख सकते हैं। अगर गिरने वाले शेयर्स में HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट ये गिरने वाले शेयर्स में रहे। मोस्ट एक्टिव शेयर्स अगर हम लोग देखें तो टाटा स्टील, JSW स्टील, HDFC बैंक, सेल, बजाज फाइनेंस ये सबसे ज्यादा वैल्यू की ट्रेड हुई इसमें। अगर क्वांटिटी ट्रेड कहें तो सेल, आर पावर, यस बैंक, आईडिया और PNB में सबसे ज्यादा क्वांटिटी ट्रेडेड हुई। हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग FIS का डेटा समझने की कोशिश करें तो FIS ने आज क्या किया है, अगर हम लोग देखें तो 30 अप्रैल का अभी तक ये नहीं आया डेटा, ये 29 अप्रैल का है, जिसमें FIS ने 809 करोड़ का प्रॉपरली कैश में बाइंग किया था। तो वो मार्केट को अभी पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनका डेटा अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।